एसकेटी वाले उस्ताद जी अपने चले हुए हैं, तो उस्ताद जी नमस्कार। और ये देखिए ओवरटेक की लालच, यहाँ पर काफी गाड़ियां स्लिप हो जाती है जब गेड़े में उस्ताद जी ने बस निकाली है यहाँ। ये मैंने 2-3 बार विजिट किया है और ज्यादा खास हमें कुछ मिला नहीं, तो यही लेने पड़े पास्ता क्रंच। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। मेरा नाम है सुमित और आप सबका डोगरा सुमित व्लॉग इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम चलते हैं थोड़ा घूमने की ओर, हमारे साथ जा रहा है एक और बंदा, तो पहुंच चुके हैं हम उसकी डेस्टिनेशन पे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सड़क में और अपने साथ है अपना चेला यूट्यूब का। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा अपने गांव में ही, शहर में ही घूम रहे हैं अपने। तो चलते थोड़े आगे और आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं, देखते हैं कोई गाड़ी वाला बंदा मिल जाए जो हमें पैदल यात्रा से बचा ले, तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा घूमने का। सोचते तो है कि वहाँ पार तक चले जाए, पर नहीं है जाने की, अभी थोड़ा इधर चलना मुश्किल ही है। देखते हैं थोड़ा सा पार नहीं तो वहाँ तक तो चलते ही, क्योंकि वहाँ पर और भी ज़्यादा बर्फ है, सड़क पूरी स्लिपरी है, वहाँ पर पूरी बंद है सड़क। और ये देख सकते हैं आप इस तरह से सड़क बंद है। तो अभी दुकान से हमने कुछ खाने के लिए लिया है, ज़्यादा खास हमें कुछ मिला नहीं, तो यही लेने पड़े पास्ता क्रंच। वो है छोटी सी शॉप, वो देखिए रूट की सेकंड बस। तो लगभग 2 बसें जो है हमें दिख चुकी है। फ्रेंड, हम पहुंच चुके हैं अपनी पुरानी डेस्टिनेशन पे। कई बार अगर आपने मेरे व्लॉग देखे होंगे तो ये पहाड़ भी जरूर देखा होगा और ये वाला व्यू भी देखा होगा। अगर नहीं देखा है गाइस तो यार क्या कर रहे हो, जाओ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो ये मैंने 2-3 बार विजिट किया है और इसके 2-3 बार व्लॉग भी डाले हैं, और इसके ऊपर भी हम गए हुए हैं, इसके ऊपर एक और पहाड़ी है इससे भी ऊंची, उस पर भी हम गए हुए हैं। तो सारे व्लॉग आपको चैनल में ही मिल जाएंगे, तो चैनल विजिट कीजिए। जो आपको मैंने उस साइड से इस तरफ को पहाड़ दिखाए थे, देखे होंगे आपने। और फ्रेंड्स, अब आ चुके हम दूसरी साइड और ये देख सकते हैं आप हमारी पहाड़ी का, जिस पहाड़ में मैं भी रहता हूँ आगे की ओर थोड़ा, और पहाड़ी में है जमीन, उस तरफ गांव में है मेरे घर। और ये देख सकते हैं पहाड़ी, तो ये खुल चुका है अपना पास्ता क्रंच, टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। काफी टेस्टी है। तो गाइस, अभी आपका भाई पहुंच चुका है एक मस्त लोकेशन पे, जहां से कि अपने शहर यानी कि मतियाना का दिखता है प्रॉपर व्यू, और अपने गांव का भी दिखता है। तो मेरे पीछे तो आपको थोड़ा बहुत दिख ही रहा होगा कि क्या अमेजिंग व्यू है, ये भी मैं दिखा चुका हूँ आप लोगों को। अब दिखाते हैं इससे भी बेस्ट व्यू। और चले हुए हम कम से कम 2 किलोमीटर दूर आ चुके हैं हम अपने घर से। ये ब्लैक आइस है और यहाँ पर ज़्यादा धूप नहीं आती, मैक्सिमम मेरे ख्याल से आती ही नहीं है, तो इस प्रकार से ये बर्फ़ यहाँ से हटने वाली नहीं है कुछ दिनों तक। और ये यहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ स्लिप हो जाती है जब ताज़ी ताज़ी स्नोफॉल पड़ती है रोड के ऊपर, तो हमारे भी थोड़े थोड़े पांव जो है हल्के हल्के फिसल रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे अमेजिंग है। रिपा चंडीगढ़। और अब देखेंगे गाइस
कि जो आपको मैंने स्नो क्रॉसिंग बताई थी वहाँ पर किस तरह से जो है निकलती है ऐसी बच्ची थी 16 देखते हैं। तो जरा भी स्क्रिप्ट नहीं हुई और निकल गई क्योंकि ये था अपना रिकॉन्क्यू डिपो और रिकॉन्क्यू डिपो वाले होते ही अपने असली खिलाड़ी है जिन्हें की आदत होती है ऐसे स्नो और संकरे रास्तों पे चलाने की। तो और ये अपने गेड़े वाले उस्ताद जी एसकेटी वाले और पीछे एचआरटीसी वालों ने पूरा जोर दे रखा है और ये क्या एसकेटी वालों ने काफी गेड़ा दिया है, ओवरटेक भी नहीं कर सकते क्योंकि और ये परे साइड में बहुत स्नो है। तो एसकेटी वाले उस्ताद जी अपने चले हुए हैं, तो उस्ताद जी नमस्कार। तो अपने ये गेड़े वाले उस्ताद जी एक हॉर्न सुना दो प्लीज, जाते जाते उस्ताद जी एक हॉर्न आपके नाम का हो जाए उस्ताद जी। तो उस्ताद जी ने हमें हॉर्न नहीं सुना, क्या बात उस्ताद जी। उस्ताद जी लगता है नाराज है हमसे किसी बात से, खफा है जिसके कारण उन्होंने हमें हॉर्न नहीं सुनाया है। और वो उस्ताद जी जा रहे हैं अपने ये क्या खेड़ में जा रहे उस्ताद जी अपने उस्ताद जी का। और ये अपनी आती हुई दूसरी बस एचआरटीसी की काफी जोर पे दिया है इन्होंने, मेरा कौन सी है और ये देख सकते हैं क्या मस्त व्यू आ रहा है, अपनी लाइफ लाइन जा रही है इन पहाड़ों में। तो अब फिनिश कर चुके हैं अपना नमकीन और पास्ता, वो काफी मजे आए। थोड़ा बहुत हमने यहाँ पूरी दिखाया सिनेमैटिक शॉट, उस्ताद जी पीछे बहुत ज्यादा हॉर्न दे रहे हैं, हमारे पास तो इन्होंने दिया नहीं आके, तो चलिए कोई बात नहीं। तो जो भी उस्ताद जी है जहाँ के भी है तो हॉर्न मानना चाहिए देखिए। और अभी अभी पहली एसकेटी गई ही थी कि ये दूसरी एसकेटी फिर से आ गई है, मेरे ख्याल से साथ तो साथ जाएंगे हमारे दोनों उस्ताद जी रामपुर बुशहर के लिए। तो ये देखते हैं हमारे उस्ताद जी आते हुए, उस्ताद जी और उस्ताद जी बड़ी ही अच्छे इसके साथ चले हुए हैं, मुझे लगता है कि दोनों साथ तो साथ जाएंगे। उस्ताद जी और उस्ताद जी जाते हुए निकलते हुए क्या गेड़े में उस्ताद जी ने बस निकाली है यहाँ से, मजा आ गया देखते देखते। और ये अपने एक और गेड़े वाले से, और ये क्या ये देखिए ओवरटेक की लालच में आते हुए हमारे गेड़े वाले उस्ताद जी और ये अपने रघुवंशी वाले उस्ताद जी। ये अपनी रघुवंशी जाती हुई और ये चक दिया है उस्ताद जी ने गियर। मुश्किल हो गया है क्योंकि हम कम से कम 5 किलोमीटर चल लिए अभी और तो बस घर तक पहुंच जाए कैसे करके। तो इसी के साथ लाइक कर दीजिए मेरी इस वीडियो में क्योंकि बहुत मेहनत लगी है व्लॉग बनाने में, 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ी। और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जिन्हें व्लॉग देखना पसंद है, मैक्सिमम सभी लोगों को व्लॉग देखना पसंद है। और ये सब्सक्राइब कर दीजिए इस YouTube चैनल को, टैप कर दीजिए बेल आइकन को। थैंक यू।